अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स, और उसमें क्या 10.6 से लेके 10.10 तक हम करेंगे आज। चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो 10.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इन टू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स। रिपल टैंक का टॉपिक हमने पढ़ा था। रिपल टैंक के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो कौन पैदा करता है, रिपल्स कौन पैदा करता है, वाइब्रेटर। अब वाइब्रेटर कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, 12 हर्ट्स। 12 हर्ट्स मीन्स 1 सेकेंड के अंदर 12 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। जो वेव प्रोड्यूस हुई है, वो जो वेव पैदा हुई है, रिजल्टिंग जो प्रोड्यूस होने वाली वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। सो डायग्राम तो न्यूमेरिकल के साथ बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम से आपको वाजिया करता हूँ। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड मालूम कीजिए। सो हमें न्यूमेरिकल जब भी करना है इस तरह से करना है, गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला और फिर उसके बाद आएगा सॉल्यूशन। देखिए जी, इसमें क्या डाटा गिवन है, द वाइब्रेटर जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से, दैट इज 12 हर्ट्स। 12 हर्ट्स और वेवलेंथ कितनी पैदा हुई वेव्स की, वेव्स की लेंथ कितनी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए, 0.03 मीटर। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक रिपल टैंक है, उस रिपल टैंक के अंदर क्या पैदा की गई हैं, रिपल्स वेव्स पैदा की गई हैं। वो वेव्स कैसे पैदा की जाती हैं हम जानते हैं, वाइब्रेटर के ज़रिए पैदा की जाती हैं। यहाँ पे वाइब्रेटर है जो मोटर के साथ अटैच होता है, और यहाँ से वेव्स रिपल्स प्रोड्यूस की जाती हैं। वो वेव्स कितनी हैं पर सेकेंड, 12 हैं, और उनकी वेवलेंथ क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासला कितना है, 0.03 मीटर या 3 सेंटीमीटर। तो सवाल उसका क्या है, उसका क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ वेव्स मालूम करें, वेव्स की स्पीड कितनी होगी वी। वो फार्मूले लिखे गए हैं राइट साइड पे, तो देखिए उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है। वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे, और वो क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज दर्ज कर दें। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के अंदर एफ की जगह 12, लैम्डा की जगह 0.03, तो आंसर विल बी 0.36 मीटर पर सेकेंड। 0.36 मीटर पर सेकेंड, ये वो स्पीड है किनकी, वेव्स की जो वाइब। अच्छा तो बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर के दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखते हैं उसकी स्टेटमेंट। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्स। स्प्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स वेव्स पैदा हो रही हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्स एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। स्प्रिंग की लंबाई, लेंथ इसका मतलब टोटल जो लंबाई है, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो फासला है वो है, दैट इज 90 मीटर, जो किन्होंने कवर करना है, वेव्स ने कवर करना है। 90 मीटर का स्प्रिंग है, उसके ऊपर 190 हर्ट्स की वेव्स पैदा हुई हैं। 190 हर्ट्स मीन्स 1 सेकेंड के अंदर 190 वेव्स इन 0.5 सेकेंड। और टाइम कितना है जी, 0.5
पॉइंट फाइव सेकेंड, दैट इज हाँ टाइम है 0.5 सेकेंड, टाइम नॉट टाइम पीरियड। आइए उसके तीन सवाल आप देखते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, पहला सवाल, टाइम पीरियड बताइए कैपिटल टी से जिसे जाहिर करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स वी से जाहिर किया जाता है इसे। तीसरा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। तीन ये हमसे चीज़ें उसने डिमांड की हैं, हम क्या करेंगे, हम इन्हीं फार्मूलों के अंदर से फार्मूले ढूंढेंगे, इनसे ये डाटा, ये जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मालूम हो सकें। फर्स्ट, पहली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे मालूम हो सकता है, वन ओवर एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है, बाकी फार्मूले भी हैं लेकिन वो यूज़ नहीं होंगे यहाँ पे, ये यूज़ होगा। सो फर्स्ट फार्मूला जो यहाँ इस्तेमाल होना है, दैट इज़ वन ओवर एफ। दूसरा, स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स के लिए हमारे पास ये रिलेशन भी है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी यूज़ होना है। और ये तीसरी इक्वेशन भी यूज़ होगी, वेवलेंथ के लिए ये इक्वेशन यूज़ हो जाएगी, और स्पीड जब मालूम करेंगे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। चाहे तो इसे दूसरे नंबर पे दे देते, इसे थर्ड पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम करते हैं पहले टाइम पीरियड मालूम। टाइम पीरियड फॉर, टाइम पीरियड हम करने लगे, क्या करने लगे हैं, यूजिंग इक्वेशन वन, टी इज इक्वल टू वन ओवर एफ, नेक्स्ट बाय पुटिंग वैल्यूज, टी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 190 एंड आंसर विल बी 0.01 सेकेंड, टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। पहला इतना टाइम पीरियड है इन वेव्स का 0.01 सेकेंड। दूसरा फैक्टर जी, दैट इज़ क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ द वेव्स। स्पीड कैसे मालूम करिए, देखिए बेटे स्पीड कैसे मालूम करें, डिस्टेंस और टाइम दिया है, डिस्टेंस और टाइम दिया है, स्पीड मालूम करनी है, तो ये इक्वेशन हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे फॉर, किसके लिए हम करने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव्स, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन थ्री, एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी, जी क्या मालूम करना, स्पीड वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी बाय पुटिंग वैल्यूज, वी इज इक्वल टू एस की जगह 90 और टी की जगह 0.5, टाइम पीरियड नहीं है बटे में टाइम है, और टाइम उसने खुद दिया था 0.5, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर टाइम पीरियड नहीं है, टाइम ओवरऑल टाइम जितना वेव्स ले रही हैं। तो डिवाइड कीजिए, 0.5 का मतलब होता है 1/2 पर जाके 90 से मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। ये है स्पीड ऑफ द वेव जो जनरेट हुई। चलिए तीसरा फैक्टर जो बचा, दैट इज़ वेवलेंथ, और वेवलेंथ के लिए सिंपल फार्मूला, वी जगह वी आ चुका है, एफ ऑलरेडी है, वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं हम, सी करने लगे हैं, किसके लिए, फॉर वेव लेंथ क्या करेंगे, यूजिंग किसको यूज करें, इक्वेशन टू को, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ बाय पुटिंग वैल्यूज, क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू वी की जगह 180 और f की जगह 190 एंड आंसर विल बी 0.95 मीटर। ये रहा का न्यूमेरिकल जिसमें हमें तीन फैक्टर्स मालूम करने थे, टाइम पीरियड, स्पीड ऑफ द वेव्स और वेवलेंथ। हमने तीन इक्वेशंस यूज़ की और आसानी से ये तीनों फैक्टर्स, तीनों उसकी डिमांड्स पूरी कर दें। अच्छा बच्चों, चलिए आगे हम करते हैं 10.8, दैट इज़
वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। शैलो आप समझते हैं कम गहरी एक डिश है जिसमें हमने पानी डाला हुआ है और उसमें क्या पैदा की हैं, वेव्स पैदा की हैं। और वेव्स कितनी वेवलेंथ की हैं, 6 सेंटीमीटर वेवलेंथ, 6 सेंटीमीटर वेवलेंथ की वेव्स पैदा हुई हैं। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, किसी जगह पे देखा गया किसी एक पॉइंट पे तो वाटर जो था, वेव्स जो थी अप एंड डाउन कर रही थी एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ऑसिलेशंस पर सेकेंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड दैट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो एक सेकेंड में हो वो फ्रीक्वेंसी हुआ करती है। सो क्या मैं आपको डायग्राम से समझा दूं, वेव्स पैदा हुई हैं उस शैलो डिश के अंदर, कम गहरी डिश है उसमें पानी डाला हमने, उसमें हमने वेव्स पैदा की, तो वेव्स कितनी वेवलेंथ की थी, 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर लंबी वेव्स क्रस्ट और ट्रफ मिलके 6 सेंटीमीटर थे। और दूसरी चीज़ थी द वाटर वेव्स 4.8 ऑसिलेशंस, इसका मतलब पहली चीज़ तो वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसे मीटर बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड 0.06 मीटर। और उसके अलावा ऑसिलेशंस पर सेकंड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है, दिखता फ्रीक्वेंसी 4.8 और यूनिट आप जानते हैं हर्ट्स। सवाल आप उसके देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, पहला सवाल स्पीड ऑफ वाटर वेव्स जो शैलो डिश के अंदर पैदा हुई, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स वी मालूम करना है। और दूसरा सवाल व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, पीरियड, पीरियड मींस यहाँ पे टाइम पीरियड भी पूछ लिया है, टाइम पीरियड भी पूछ लिया। अब देखिए कौन से ऐसे फार्मूले हैं जिनसे हम बआसानी स्पीड और टाइम पीरियड, स्पीड के लिए ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, स्पीड के लिए एफ ओ लैम्डा जो के हैं तो ये फार्मूला सूटेबल है, और टाइम पीरियड ये देखिए 1/f, तो ये दो फार्मूले हम यूज़ कर लेंगे। कौन कौन सा, स्पीड के लिए वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी क्योंकि है तो कोई और फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें तो हैं नहीं, ये चीज़ें तो हैं नहीं, ये है इसलिए ये लगेगा। तो क्या करेंगे अब हम करेंगे जी, हम लिखेंगे किसके लिए करने जा रहे हैं, फॉर स्पीड, स्पीड के लिए जब हम करेंगे तो यूजिंग क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन वन दैट इज़ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पुट कीजिए बाय पुटिंग वैल्यूज़, वी इज इक्वल टू एफ की जगह 4.8, लैम्डा की जगह 0.06, एंड आंसर विल बी, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आएगा 0.2889 मीटर। अब हम किसके लिए करेंगे, पहला आंसर आ गया स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स जो शैलो डिश में पैदा हुई थी, हमने प्रोड्यूस की, उनकी ये स्पीड है। दूसरा फैक्टर, दूसरा काम हमने किसके लिए करना है, फॉर टाइम पीरियड, तो यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f बाय पुटिंग वैल्यूज, टी इज इक्वल टू एफ की कीमत कितनी है 4.8, जब ये वैल्यू दर्ज करेंगे आंसर विल बी 0.21 सेकेंड, टाइम पीरियड किस में होता है, सेकेंड्स के अंदर। ये रिजल्ट आ गए, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ द वेव्स और टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स, हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। ये न्यूमेरिकल था दैट इज 10.8। अच्छा बच्चों चलिए अब 10.9 देखते हैं। 10.9 न्यूमेरिकल में कहता है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, इसका मतलब जो रिपल टैंक है दैट इज 80 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक फासला कितना है उसका, 80 सेंटीमीटर। सो टोटल यहाँ से पता चलता है द डिस्टेंस जो फासला है दैट इज 80 सेंटीमीटर
100 से डिवाइड कीजिए तो बन जाएगा 0.8 मीटर। अ 5 हर्ट्स वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। 5 हर्ट्स वाइब्रेटर, एक ऐसा वाइब्रेटर जो कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है, ये डिस्टेंस थी, ये टोटल डिस्टेंस की बजाय आप इसे लेंथ ऑफ रिपल टैंक लिखिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी पैदा करने वाला वाइब्रेटर है, फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्स। और इस वाइब्रेटर से जो वेव्स पैदा होती हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी है, वो वेवलेंथ भी कह रहा दे रहा हूँ मैं आपको। वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया करते हैं, 1000 से डिवाइड तो 0.04 मीटर। सवाल उसका क्या है, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। बताइए वेव्स को एक किनारे से रिपल टैंक के दूसरे, टाइम ऑफ वेव रिपल टैंक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। 80 सेंटीमीटर फासला कवर करने में इतने वाइब्रेटर ने, इस वाइब्रेटर ने पैदा की हैं, इतनी वेवलेंथ की पैदा की हैं, और ये फासला कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मालूम करना है। अच्छा बच्चों, हमने वेव इक्वेशन पढ़ी हुई है, वेव इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, वी मिलता है। अब टी मालूम करना है, टी मालूम करने के लिए आप जानते हैं टी ये टाइम पीरियड का है, ये टाइम पीरियड का है, ये टाइम पीरियड का है, ये है जस्ट टाइम का टी, ये टाइम का फार्मूला, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, गिवन डाटा के अंदर एस तो है वी नहीं है, सो वी मालूम करने के लिए ये रिलेशन यूज़ होगा, वी इज इक्वल टू, क्योंकि एफ भी है लैम्डा भी है, वी आ जाएगा, जब वी आ जाएगा एस भी है तो टी आसानी से 1 और 2। सो पहले हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2, वो क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा बाय पुटिंग वैल्यूज, वी इज इक्वल टू एफ की जगह क्या रखेंगे 5 और लैम्डा की जगह क्या रखेंगे 0.04 और 0.20 मीटर पर सेकेंड। ये वी हमें चाहिए, कहाँ पे चाहिए, इस जगह। सो क्या करेंगे अब, यूजिंग इक्वेशन 1, वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी जरब टी एंड टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी बाय पुटिंग वैल्यूज, टू टी इज इक्वल टू एस की जगह 0.8 और इसकी जगह 0.20। जब इसे डिवाइड करेंगे आई थिंक 0.20 ही आता है, और डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा, टाइम विल बी 4 सेकेंड। 4 सेकेंड टाइम आ जाएगा, 4 सेकेंड लगेंगे वेव को एक जगह से, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में, किस में, रिपल टैंक के अंदर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 10.9 जी। अच्छा बच्चों, चलिए आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन। व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा फाइंड कीजिए ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। हर्ट्स दैट इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 90 मेगा हर्ट्स, और साथ में लिखता है नीचे 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6। मैं अभी बताता तो हमें पता है मेगा प्रीफिक्स है, 10 की पावर 6 की जगह हम मेगा लिखते हैं, 10 की पावर 6 हर्ट्स, ठीक है।
और साथ में लिखता था स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की जो स्पीड है वो जो एफएम स्टेशन से पैदा हुई वेव्स उनकी स्पीड जैसे वी से जाहिर करेंगे 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। सवाल है वेवलेंथ मालूम करना, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इक्वेशन है वेव इक्वेशन जिसमें तीन फैक्टर हैं वी एफ और लैम्डा। वी है एफ है लैम्डा मालूम करना है तो हम लिखेंगे फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें से मिसिंग क्या है लैम्डा, सो इक्वेशन नंबर वन का नाम देंगे यूजिंग इक्वेशन वन वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। नेक्स्ट क्या करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू वी की जगह रखेंगे 3 × 10^8, एफ की जगह रखेंगे 90 × 10^6, डिवाइड कीजिए 1/30, 10 की पावर्स ऐड हो जाएंगी 6 ऊपर जाके माइनस तो 1/30 × 10^2, 1/30 कीजिए कैलकुलेटर से और 10^2 का मतलब 100 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या ऐसे कर लें 1/3 करके 10 से मल्टीप्लाई तो आंसर विल बी 3.33 मीटर। वेवलेंथ किस में होती है, मीटर्स में। ये है उन वेव्स की वेवलेंथ जो एफएम स्टेशन पैदा कर रहा है, एफएम हम सुनते हैं तो वो एफएम की उसने वेवलेंथ डिमांड की थी, इतनी फ्रीक्वेंसी वो पैदा कर रहा था, इतनी स्पीड से वेव्स पैदा हो रही थी, ये वेवलेंथ थी मालूम करनी थी, हमने कर दी। ये रहे हमारे न्यूमेरिकल्स, लेक्चर आज का हमारा ख़त्म को पहुंचा। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की भी समझ आई होगी, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।